नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाने के लिए भारतीय संसद में एक प्रस्ताव पारित किया गया था और जवाहरलाल नेहरू बच्चों को बहुत प्यारे थे। नेहरू चाचा की जयंती को 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय छुट्टी के कारण विद्यालयों में बाल दिवस नहीं मनाया गया। आप लोगों को बताते चले कि जिस उम्र में बच्चों को खेलना और स्कूल जाना चाहिए, उस छोटी सी उम्र में बच्चों के कंधे पर इतना बोझा ढोना पड़ता है कि पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते। चाहे कोई मिष्ठान, छोला भटूरे या फिर किसी गराज बस स्टैंड में बर्तन धोते हैं, नाश्ता पानी बेचने का काम करते हैं और या फिर कबाड़खाना कस्बा में गली गली कबाड़ बिनकर घर परिवार वालों को खर्च देते हैं। और आप लोगों को बता दें कि बाल दिवस और भाई दूज का पर्व एक साथ पड़ गया, जिसमें भाई दूज पर बहनें अपने भाई के अटूट प्रेम और सौहार्द को दर्शाता है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक करती हैं और उनकी लंबी आयु सुख समृद्धि की प्रार्थना करती हैं और भाई अपनी बहन को उपहार देकर उनकी रक्षा का वादा करते हैं। इस पर्व को कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय पक्ष को मनाया जाता है। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। अब खिला दो मिठाई, छोटू मिठाई खिलाओ, थोड़ा सा काटना ये। अब छोटू दीदी के पैर छुओ, अच्छे से छुओ, अच्छे से दोनों दोनों हाथ से ऐसे खुश लाओ। अब दीदी खिला दो इसको इसको। हाँ इसी खिला दो। एक ही मात्रा, एक ही यहाँ जैसे लगाइए। हाँ टा में ना टेन हो गया, लिखो टेन मीन दस, दा और सा, सा। और लंकी चौपर से